अर्तगल गाजी बड़ा मशहूर ड्रामा है। पाकिस्तान चलना पाया जी, तुर्की ने बनिया उसने ना, तो होटल मनसूख किया गया। नईम जाट साहब ने दोए कंटैक्ट नंबर इतना लिखे, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सीख कबाब स्पेशल मिक्स, हर किस्म चिकन शोरमा, नान, चिकन बर्गर, रोटी स्पेशल, दाल मखनी, सारे आइटम इतने मौजूद है। तुम पढ़ भी सकने, तकी भी सकने, स्पेशल इतने नहीं है जड़िया डिशा ने। चौधरी नईम जट साहब ने तुम मुलाकात करा सा। अस मौजूद हैं जी इस टाइम पंजग्राई ग्राएं, पंजग्राई जरा रहा तहसील गुजरहान जिला रावलपिंडी, जबर सुन जी रोड जानी पलोट आले पास रताला क्रॉस करो तो अगर पंजग्राई असना। इतने बहुत जबरदस्त है, एक होटल खुला जी, बहुत जबरदस्त आ खाने पकाने वाले ना, जेड़े लोग चिकन टिक्का बोटी इस किस्म के खाने, लजीजा खाने, जेड़े मसालेदार खाना चाहने ना, उन्होंने वास्ते बहुत जबरदस्त जी ऑफर है। तुसां की विजिट भी करा सा इतने, स्पेशल जेड़े खाने तैयार होने वह भी दसा। हूँ दूर तुसें जाने की लोड़ को नहीं, बहुत जबरदस्त होटल तुसां कोल खुल गया, तुसां की सुना विजिट इंशाल्लाह जरूर करा सा। अस इस रोड पर मौजूद हाँ जी, यह जी रोड असनी है सीधी जबरतू रोड असनी है सीधी पलोट चौक जानी, जंड मिलू अगे अगे फिर मिसे आले पास निकल जानी। अस इस टाइम इस रोड पर यह होटल ना लोकेशन है जी, अगर तुम आना चाहते हो, तुम खाना चाहते हो, तुम वास्ते जबरदस्त जो होटल है। बाकी इतने जी मशहूर डिशा वो भी तुसें चेक करा सा, इतने कह के चीज़ बननी, लोग हसने, खाने संगी दोस्त हसने, स्पेशल लोग जान बड़े बड़े दूर जाने सन, तो जल्द घर भी चंगी चीज़ लभ है तो दूर जाने की कड़ी लोड़ है। यह जोड़ा एरिया इतने ना तक सकने तुसा, यह गेट है तुसा एंट्री होनी, यह सामने मस्जिद ने इंतजाम है जी, सामने नमाज भी तुसा पढ़ सकने हो। यह गार्डन टाइप है, इतने गार्डन एरिया है, सफाई ना बहुत जबरदस्त जहाँ निजाम है जी, इतने तक सकने। बाकी तुसा नहीं चौधरी नईम जट साहब नाल मुलाकात भी करा सकते, इतने मशहूर जिहड़ियां डिशां उन्होंने वो पूछा इतने कि चीज़ स्पेशली तौर पर तैयार। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जनाब बन रहा है चिकन कढ़ाई, ये बहुत मशहूर है जी, चिकन कढ़ाई साड़ी बहुत जा रही है अजकल, चिकन कढ़ाई जी है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसने तो बाद कहना अस ग्रिल आला सा बहुत जा रहा, चिकन टिक्के सीख कबाब है, चिकन टिक्के बनने पे ठीक हो गया जी, ए सीख कबाब है, चिकन टिक्का ये भी साड़ा बहुत माशाल्लाह ग्रिल काम भी बहुत अच्छा जा रहा ठीक है। ते उसने बाद मटन कढ़ाई है साढ़े कोलो, वो भी ठीक जा रही है। ते ये असा जरा माल शाल जरा ना रेडी किया, बीफ कढ़ाई भी ठीक जा रही है साड़ी, मां रोटियां नान माशाल्लाह जी हर सहूलत इतने मौजूद है समझ गए। ते बाकी सारे असा दोस्तों भरावान की असा दावत देने के बिल्कुल अच्छो इतने एक बार टेस्ट करन ट्राई करो, ते इंशाल्लाह तुसां की बिल्कुल पसंद ऐसी है माहौल माशरा बिल्कुल जी, बिल्कुल जी साफ सुथरा जी, सफाई ने असा बिल्कुल बहुत ख्याल रखने जी, ये तकी सकने हो मारी सकने हो कैमरा, सफाई ने असा बहुत ज्यादा ख्याल रखने, ते सफाई बहुत जरूरी है। ते इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा है और सफाई भी है, म्यार भी ठीक है। ते
बाकी है अड्ड शड्ड लगे हुए जी तको जाने पे। दाल मखनी जी बहुत अच्छी है साड़ी दाल मखनी, ते इंशाल्लाह ट्राई करो ते मज़ा ऐसी है दाल मखनी, स्वाद ऐसी है सों की। उसके बाद मिक्स तवा साड़ा वो चीज़ें ट्राई करो वो भी सों की इंशाल्लाह मज़ा ऐसी ते स्वाद ऐसी है चस आ जासी है सों की। एक बार सों एक बार ट्राई कर सो चिकन कढ़ाई साड़ी ट्राई कर सो है बन रही है डिलीवरी जा रही है ठीक है ये हूँ तंग देश इदा डिलीवरी असं भेजने हैं जी ते होम डिलीवरी भी जी बिल्कुल आ हूँ तंग देश इदा आ साढ़े भरा दोस्त है उन्होंने ऑर्डर किया ते हुण असां उत्थे डिलीवरी भेजने आ ते नहीं नहीं असां आपो पहुंचाने आ जी बिल्कुल डिलीवरी फोन करो असां होम डिलीवरी असां जड़ा ना आपो पहुंचाने आ। हां जिसले जिसले बंदा ऑर्डर करना जी डिलीवरी कराना साढ़े नंबर है जनाब 0302-150-1250 ए कॉल भी करी सकने हो तो व्हाट्सएप नंबर है ते दूआ भी नंबर है इसने पूरी कॉल करी सकने हो व्हाट्सएप नंबर है 0310-83-44-188 इतों कॉल भी करी सकने हो व्हाट्सएप पर भी इतों करी सकने हो मैसेज ते उसने तो बाद फेसबुक पेज भी बनया वा अतुल गाजी यूट्यूब चैनल भी है ते उत्थे भी जेड़े जेड़े दोस्त साढ़े तकने पे जिथे को रहे चैनल साड़ा जड़ा ना कहना अस यूट्यूब वाला उसकी लाइक करन सब्सक्राइब करन उसने तो बाद फेसबुक पेज साड़ा जड़ा शेयर करन लाइक करन ते सारे दोस्तों के असं रिक्वेस्ट करने इंशाल्लाह अच्छो उत्थे ते तुसों की दावत देने हैं एक बारी छुटराई करो इंशाल्लाह तुसें मजा ऐसी है। अज अस मौजूद हाँ जी अर्ब डलगा जी होटल पर पंज ग्राई जरा जबर फोसना पिया सीधा होटल पास रोड जानी बहुत जबरदस्त होटल है ते असा मुलाकात होगी इतना होटल पर असने पे बढ़ते खाना खाने तो मजे पे किन्ने यकूब अंजम साहब जेडे असा ने खिता है पखवान ने बड़े प्यारे जी शायर है इन्हों मशहूर जी नजमा शेर बड़े मशहूर हुए सोशल मीडिया पर तुसा सुनियो सन अज असा कोल है तो बड़ी असा भी खुश नसीबी है कि असा इन्हों कोल बैठे हैं तो इन्होंने गप शप मार ले इन्हों को पुछने कि पुठवारी शायरी नाल इन्हों थोड़ा जहा तारफ तुसा नाल कराने नाल इस होटल के बारे पुछने कि पहली बार आइए पहली इस होटल पर असने रहने इतने जायके की है जिन खाने की है जिन असा नहीं दबाने सुनो तो नाल यकूब अंजम साहब की सुनवा सब तो पहले मुबारकबाद भी पेश करने कि प्यार भी ज्यादा इस वजह तो कि तुसा असा ने खिता पठवार जी नजमा लिखिया ये बहुत मशहूर हुई हर बंदे सुने हर बंदा ये ख्वाहिश करना कि उस जवान की तकी है उस शख्स की तकी है जिस अपने इस खिते नाल इतना कुछ प्यार है इतनी मोहब्बत है इस लगन नाल लिखिया जल्द लिखे तो क्या सोच के लिखे कि इतनी मशहूर सलाम सर सब तो पहले तो मैं तुसा शुक्रिया अदा करना है कि बंदा इन्हें चीज की कुछ बोले मौका मौका दिता ते बकायदा तौर पर जी मैं शायरी है 1998 शुरू की जबकि बचपन में ही मेरे अंदर शायरी वाला कीड़ा मौजूद अल्लाह पाक की कोई खसूसियत आ सी मैं तकरीबन पंजवीं या छेवीं क्लास में पढ़ना समझा तो उस टाइम मैं बगैर किसी उस्ताद को एक नज़म लिखी सी फुट्टो अपने इलाके अपने महल्ले अपने ग्रां संगिया दोस्त औरत में सुना सा तो बड़े महसूस होने सुन अच्छा वह नजम में जल सुना सी मेरी बड़ी हौसला अफजाई होगी तो फिर स्कूल मैनु अच्छे उसाजा मिले उस तो बाद कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर जिया रहमान साहब प्रोफेसर शकील अंजम साहब ये जे नामवर उसाजा और मैं काफ़ी रहनमई हासिल की नाल ही मेरी मुलाकात सारे खिता पटवार दियां बान ते शान सैयद आले इमरान साहब ने बल्कि मेरी एक मुलाकात अख्तर इमाम रिजवी साहब न हुई उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की उन्होंने मेरी काफ़ी मदद भी की उस तो बाद फिर आज ये मेरा बखाबर साहब को रहनमई की चौधरी फाजल शाइक साहब को रहनमई की फिर अल्लाह पाक किया कि काम आस्ते आस्ते उन्होंने ले पाया क्योंकि मेरे अंदर एक शौक सी और जज्बा भी सी जनून नहीं आता जी ते दूसरा खिता पठवार नहीं मिट्टी नहीं पैदाइश सा ते खिता पठवार नाल प्यार भी सी ते इस मरिया मैं जी शायरी लिखने की इब्तदा है वह पठवारी जबान में ही की हूँ भी मेरा ज्यादातर जोर पठवारी जबान पर ही है हूँ माशाला सड़ा एक पठवारी राइटर कलब एक बनया उसने शरीफ शाह साहब जे बड़े बड़े नामवर शाहिद लतीफ हाशमी साहब है नुमान रजाक साहब है बड़े बड़े नसली मिर्जा साहब है यानी कि जितने भी पठवार ने बड़े नाम है वह सारे रली मिली तो
जिन्हें मिग भी नाल टोरिया वा अस पटवार वास्ते कोशिश करने पे कि जिस तरह बाकी जबाना हर मवाद मौजूद है, नजम नसर गजल कहानियां इस तरह से असाने पोठवारी भी सारा लिटरेचर साड़ी होना चाहिए। इंशाल्लाह इसने जो काफी कामयाब भी हुई हैं ते मैं तुसां वास्ते खुशी की गल दसा और खिता पोठवार ने लोगों वास्ते खुशी की गल दसा कि बल्कि तुसां मौजूद हो सो सलीम मिर्जा साहब के प्रोग्राम उपर लोगे बेड़े जी उन्होंने किताब की तकरीब रोनमाई हुई उसने पर आए सोन शरीफ शाह साहब पोठवारी जबान विच कुरान पाक ना तर्जमा होना करी चुके माशाल्लाह क्या बात है ये बहुत अच्छा वास्ते बहुत बड़ा काम करी बहुत बड़ा काम है ये शिराज पायर साहब ना कुली के सब बहुत बड़ा बबाए पोठवारी के हां ओ बड़ा काम करने पे बड़ा काम इस तरह ते फिर गल दूर निकली कि पोठवार पर ते जितनियां गल्लां बाणे रहे ओ काटियां ते बस उस अल्लाह पाक करमनवाजी कीती ते पहली जड़ी मेरी नज़म है जड़ी मशहूर हुई इको फैसला पिंडी राणा वो लिखी ते जिस जिस पासे गई उल्लै चूंकि इतना सोशल मीडिया का दौर को नहीं सी ते खुद जाइत करा मिशारे पर वगैरह पर पढ़िया या केसट वगैरह जानी सी ते अगर लोगों को कुछ नहीं सी स्लो स्लो स्पीड स्लो स्पीड सी लेकिन हुन सोशल मीडिया ना तेज दौर ते हुन सोशल मीडिया ने इसने नाले होया कि जेडी मेरी दूसरी नज़म है अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा हां क्या बात है अच्छो तुसा की सोना पटवार ए जो ही मैं नज़म लिखी ते मैं खुद ही पढ़ी ना ते सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो में जले लाई ते जिस पे असर गई ना जिसले मैं तुम दसना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिथे जिथे लोग पटवारी पढ़ने लिखने सुनने शौक है उना एक बार इस पटवारी नज़म की लाजमी सुनया सुनया बिल्कुल असा भी सुनया हर बंदे सुनया पटवारी में काजी तनवीर साहब असा ने हेडमास्टर है जन जा रहे स्कूल जी ते बल्कि उना बड़ा दा पुछन की दी आने की तुसा पटवार ना चैनल है हुन सिर्फ तो ए नज़म दा है सुनो मैं सुनी पाया कि क्या बात बहुत अच्छी है तो इसने विच असा ने पठवार ने सारे खिते सारे ग्रां सारे टिब्बे नाले ये सारिया नाल जिक्र जरूर होया ए बल्कि 4-5 दिन पहले अजहर ज्ञानी साहब ने सारे दोस्त थे इस इलाके नाल मुतलक है जर्मनी विच एक रेडियो चलाने पे उस रेडियो मेरा नेम ना निकल गया उसने प्रोग्राम पढ़ी ते दूसरे दिन मैंने फोन किया अरे यार मैं बड़े ही प्रोग्राम किए ते मेरा कोई प्रोग्राम इतना वायरल नहीं होया जी जल नजम पढ़ी ते इसने तादाद हजार एक दिन चली चली बस असल लोगों के खिते इस मिट्टी प्यार है प्यार है असा मैं कोई शह को ना या मेरे भी कोई खूबी को नहीं जड़ा मिगी लोग सुनने बस खिते ने अगर ब्याह कसा ते दरडा उपर जल गल लिखिया ग्रां पर गल लिखिया लोगों को चीजों प्यार है तो मैं कोशिश की इन सारिया चीजा की लफजा की तस्वीर परोने नहीं ते मैं वो तुसा की उसने अगर चंद बोल तुसा जा शुक्र करने के तुसा सनाओ आज असा कोल बह कर वैसे असा सोशल मीडिया ही सुनी असा ने संगी दोस्त बारे मुल्कां बड़ियां फरमाइशा करने रहने स्पेशली तौर पर अज तुसा कोल बैठे हैं तो बड़ी असा वास्ते कोई नसीबी है तो नाले अज इस होटल च बैठे हैं ये भी बड़ा चंगा होटल है जी तो उसने बारे जी थोड़ा जहा सुन सा तुसा कोलो तो पहले असा की पटवारी दर अच्छो तुसा की अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा ग्रां इसने ते नाले बाजार दसा जासा जेलां ते किलाए दतास जासा पूरी दिलाए नी करने ते आस जासा दीना मिरपर ते खड़ी दरबार दसा अच्छो तुसा की सोना पटवार वाह दिल पठवारा है ना गुजर खान दसने लबे शहीदां की ऐदर निशान दसने काजियां बेवल ते जंड नजार दसा अच्छो तुसा की सोना सील कुकड़ा की लोग पढ़ाने थे दौड़ दादा नी नाले कराने थे नेजाबाजी ते ऊंठा ने भार दसा अच्छो तुसा की सोना पटवार टैक्सलावा ते नाले असन अबदाल तकसा सोना पिंडी ते नाले चकवाल तकसा मलाल मुगलां ते कलर कहार दसा अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा रवाक मंदरा ते नाले सियाला तकसा कलर कोटा ते सोना फरवाला तकसा लिंग बगनी ए पाला ने वशकार दसा अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा नला मुसलमाना ते नाले दुबे रंजुलिये दंद गली ते खुशियां बखेरन जुलिये पानी मंगले ना आ ते पार दसा अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा।
फिर लिखा सी जी के लगने मेले ते कठी खुदाई होनी, लगने मेले ते कठी खुदाई होनी, कोड़ी कुश्ती ते जोर आजमाई होनी, लगने मेले ते कठी खुदाई होनी, कोड़ी कुश्ती ते जोर आजमाई होनी, नेजाबाजी ते ऊठा ने भार दसा, अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा। आखरी बंद है के खुली सरिया ते मौसम बहार अशना, सोना कणक ते अंजम निखार अशना, मक्का बैरे ते नाले जवार दसा, अच्छो तुसा की सोना पटवार दसा। पटवार की क्या बात है जी, पटवार किसे भी जाई नाल किसे भी खिते नाल अगर मुकाबला कीता जाए तो पटवार ना मुकाबला नहीं होना, क्योंकि असा ने पटवार है इसने विच पहाड़ है, इसने विच जंगल भी है, इसने विच मैदान भी है, इसने सरा भी है, ये असा की जड़ी मिट्टी है बड़ी जरखेज मिट्टी है पटवार की, असा की निशाने आदर ने भी अंदाज है, असा की मुहब्बत ने भी अंदाज है, असा प्यार करने वाले लोग हाँ और प्यार वंडन वाले लोग हाँ, ये असा ने किता है पटवार। जिहड़ा बंदा असां नाल दोस्ती लाना वो सारी जिंदगी पटवारियां की याद रखना। मामा सलीम मिर्जा साहब तुसां की ईद करने लुगे बेड़े कतार सुना के पटवारने वाले नाल इजाजत के साथ फिर बाकी गप शप होनी रह सी के किताब है लुगे बेड़े लखां शहर जहान विच पे वसने, लखां शहर जहान विच पे वसने है पर माड़े पटवार क्या बात है, कणिया लगन ते मिट्टी खुशबू देनी निक्की निक्की फुहार दियां क्या बात, रुख चुलने ते पत्रां ने साथ छेड़ने, जिस हवा चुली ना पत्रां नो जड़े रुख चुलने ते पत्रां ने साथ छेड़ने, मिठी मिठी छनकार दियां क्या बातां, और ते पक्के पलाजे सलीम हो गए पर उस कच्चे जे घर दियां क्या बातां, ते लखां शहर जहान विच पे वसने। ये नज़र करसा जनाब रहीम जट साहब चौधरी अफसलान साहब पढ़ाने वाले यूके बरतानिया अपना दोस्त नज़र त असा ने जड़े होटल ने मालक है असाने बड़े प्यारे जे दोस्त है जी नईम जट साहब ये उन्होंने नज़र करसा ते नाल असाने खिता पठवा के बड़े प्यारे जे शायर है यकूब अलियम साहब जेडे किसी तारफ ने मताज नहीं इन्होंने नज़र करसा तो फिर आखिरी ये नज़म तुसें सुनासा कि यूरोप सोना बहु सोना नहीं छक दे वाह उत्थे वसने वाले बंदे की चंगा लगना उसी पर असल की अपना एक पटवार ही चंगा लगना, यूरोप सोना बहुत सोना नहीं शक कोई पर माड़े पटवार दियां क्या बात, रंग रौनक महफलां संघ साथी दिने राती लश्कारे दियां क्या बात, इंग्लैंड कदों संगीत दोस्त लभने जे सवेले जाओ तो राती मुड़ो तो बच्चे सुते होने जेड़े उत्थे रहने उन्हां पर पुछो कि रो रो के उन्होंने क्या बेचारे ना हाल होना, ये असा खुशहाल लोग हाँ संगी दोस्त आए मुलाकात होगी कि यूरोप सोना बहुत सोना नहीं शक कोई माड़े पर माड़े पटवार दियां क्या बात, रंग रौनक महफलां संघ साथी दिने राती लश्कारे दियां क्या बात, अजे तक वो नजर नहीं भुल सकियां हर एक थां नजारे दियां क्या बात, रातां बड़ियां रंगीन सलीम तकियां, रातां बड़ियां रंगीन सलीम तकियां, हाय उस लोई वाले तारे दियां क्या बात। ये असां ने खिता है पटवार ने रहने वाले असां जिहड़े लोग हां असां की बड़ा ही प्यार है अपनी धरती मां नाल, ये खिता मुझको दिल जैसा ये धरती मुझको मां जैसी, ये जिस अपने खिते नाल प्यार नहीं किया मैं समझा कि उस जिंदगी विच भी तो आखिर में जी वो किसी कम नहीं थी बाकी होना, इंशाल्लाह तुसा भी थोड़ा जहा ये यकूब अंजल साहब ये दसो ये जरा होटल है जिस तुम आए हो इतने पहल भी आए हो खाना शाना खाते की है क्या जैका है तो सच्ची तो पक्की गल है पटवारी वैसे सच्ची ही गल कर बिल्कुल जनाब उसने जो कोई मुबालगा राई नहीं होने लगी जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत ही खूबसूरत होटल है जी, एक खिता है पटवार ना जरा तो इलाका ने गुजर खान हो उसने ये शर्की पासा है पंजग्रां चंद्रावादी जी, ये जब्बर रोड पर है दो दफा मैं खुद आया चिकन कढ़ाई खाधी टिक्के खाधे बड़ा ही मजा आया, संगियां दोस्तों नाल बैठ खाधा बहुत मजा आया, बाकी भी दोस्त अच्छे रहने उन्होंने को तुम पूछ ही सकने हो, ते इत्थे बिल्कुल नफीस हर चीज मिलसी
बाकी जो शक है जी इस प्रोग्राम तो बाद खासा तो पता लगे चाह चंगी लभे खाने पकाने पलोटे जबरे की जितने एरिए ने ग्रां बड़े ग्रां बहुत ही जबरदस्त जी गुलफराज साहब इतने जो चिकन कढ़ाई बनाने नाम गुलफराज है बहुत ही खूबसूरत चिकन कढ़ाई बनाने मैं तो दो दफा खाती बहुत ही मजा आया बल्कि बाकी दोस्त बड़े दूर लोग इसलिए राती तकरीबन सात तो बाद जिन्हें भी अच्छो ना तुसा इस रोड पर अच्छो तो जब्बर ने लोग काजिया ने लोग बोरगी बैंस तंगियों सहीदा नोट ये लोग ने बड़ी खुशी हुई बड़े खुश हो चलो मुलाकात हुई दुख सुख दी गल्लां बड़ियां हुण तुसां की होटल बना के दसने अगर खाना वे तो एक बार मर्जी ना इस होटल पर अच्छो तो बाकी तुम इंशाल्लाह आप संगत दोस्तों की दसो कि अर्थगल गाजी जो होटल है पंज ग्रां जंदरा वाली इंशाल्लाह बड़े मजे ने खाने इतने होने के नाल जी चाह होनी होटल वाली जी ट्रक ख्वाहिश करने ना ड्राइवर वाली चाह वो भी इस होटल इतने एक स्पेशल डिश है जी दाल मखनी अच्छा बड़ी मजेदार डिश है दाल मखनी जी जी मखन बनाई जानी मखन तो अजकल पता है बड़ा औखा लभना लेकिन होटल चलाने मारे कोई भी फर्म तुसा चलाने मारे उसने वास्ते तुसें मेहनत करनी पैनी उसने वास्ते तको दो करनी पैनी हुण चैनल है चैनल वास्ते अगर तुसा मेहनत ना करो अगर जासो ना किसी ने इंटरव्यू ना करो तुसा ना चैनल नहीं चलना अगर तुसा होटल चलाना तुसा कोल अच्छे कुक होने चाहिए अच्छे खाने पकाने वाले होने चाहिए फिर इ देसी चीजा स्पेशली तौर पर जिसलै मक्खन की बनी दाल होनी इ होटल की पहचान बनी जानी तो ना बनी जानी फिर अल्लाह जिस चीज मेहनत करनी अल्लाह ताला उसना जे तुसा है अगर जब्बर तक तुसो तकरीबन 3 किलोमीटर है पंज ग्रां बोर्ड लगा वा होसिया मार्केट पंज ग्रां विच ये होटल मौजूद है अगर सुहावेल साइड तो इस वक्त लोड क्रॉस करी ते तेरियां ग्रां क्रॉस कर सो इस होसिया मार्केट विच तुसा सीधे पहुंची सो गुजर खान तो सो ते काजियां वाला रस्ता इस्तेमाल करी सकदे हो जंड मजार वाला रस्ता इस्तेमाल करी सकदे हो 10 मिनट दी मुसाफत है जीबू बंजर साहब खाने वाले बंदे ने जगह ठटकियां ने ये तू असा कई बारी रात ही असा गुजर वाले चले गए तिक्के खान जल खाने वाले की एक बार पता लगा ना कि खाने होटल इतने 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 मजेदार लजीजा खाने होने तिक्के बनने स्पेशल कढ़ाई बननी हर चीज बननी फिर जो कुछ नाले जा सकने तो असिया पहुंची सकने कल वैसे ही पिछड़े कल बंदे दोस्त है जी मैं फोन किया पिशावर में चरसी होटल चरसी होटल पिशावर है ना पिशावर चरसी होटल मशहूर है बड़ा बहुत मशहूर है बड़ा मशहूर है असा भी कुछ अर्सा पहल गए दाने जी चरसी होटल गया असा खादा पर असा कितको ने मजा आया है चरसिया भी मजा असा चरसी तो है कौन असा की नशा जरूर है केड़ी गल ना नशा है चंगिया बंद सोबत ही बेड़े ना नशा है चंगिया बंद गप मारने ना बेअदब और सरकार मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया थी कि बेअदबा की महफल ला लू कल्यों बहना चंगा भेन पुशाक बेगानी नालू नंगियों रहना चंगा तो अदब जी महफल होनी ना अदब वाले बंद को बहसो अच्छिया बंद को बहसो तो अच्छी गल् लभसन तो बड़े प्यारा जे एक शायर ना ख्याल है कि बेअदब जी जिंदगी नहीं चंगी बेअदब जी जिंदगी नहीं चंगी अदब जिंदगी का हार सिंगार आता जेड़ा अदब अदाब न जानता नहीं वो इंसान बेचारा बेकार वाह बेअदब महफल करे नफरत पैदा वाह अदब मजमा यादगार आता खोला लख वारी अदब नाल जे खोला ते तां गल है
टूटे भजे होवन अल्फाज भावे लफ्ज लफ्ज नू तोलां ते तां गल है हक सच नू करां बयान अंजम सच सूली ते बोलां ते तां जेड़े दोगली पली थी करने ना मिठियां गल्लां करने उन्हां कोल अल्लाह ताला बचाया क्योंकि हक सच निकलने जेड़ा गल करना उसकी ज्यादा मुखालफत होनी अल्लाह ताला असांखी हक सच नी गल करनी तौफीक अता फरमाए और हक सच जेड़े बंदे गल करने उन्हां नाल तईद करने की तौफीक अता फरमाए ते उन्हां नाल खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए हुण तुसां वी खाने चेक कराने हैं सर्दी भी है बड़े चस्के आले खाने मजेदार किस्म है इंशाला खा तो याद कर लो जो खासी वो याद कर सी जो ना खासी पछता सी जरूर किस मारे खाया जरूर एक बार असानी मर्जी ना लाओ तो फिर नेक्स्ट टाइम तो आपो भी आसो दोस्तों की भी आखो तो फैमिली अपनी की भी आसो तो फैमिली आल भी है फैमिली ने बंदोबस्त किया तो फैमिली ना नहीं आ सकते हो इतने खाना खा सकते हो तो आर्डर भी मंगा सकते हो इतने नंबर लिखे तो घर बैठे हो अपना फोन करो ये होम डिलीवरी इन्होंने सर्विस भी है बहुत चंगी सर्विस है बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में जरूर असर यार दसो पाकिस्तान जिंदाबाद।